पेरेंट्स, आप सभी का मॉम ऑन बोर्ड में स्वागत है। मैं हूं शर्वरी। तो आज का हमारा वीडियो है समर को ही लेके। जी हाँ, बेबी केयर इन समर। समर्स में बच्चों की केयर कैसे करें, उनको कंफर्टेबल कैसे फील करवाएं, बिकॉज समर्स में बहुत ज्यादा हीट होती है, जिसकी वजह से बच्चों में बहुत ज्यादा इरिटेशन देखा जाता है, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है गर्मी की वजह से। तो आज का हमारा वीडियो बेबी केयर इन समर्स। उससे पहले मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगी। प्लीज प्रेस द सब्सक्रिप्शन बटन। हमको मॉम ऑन बोर्ड की एक बिग फैट फैमिली बनानी है जल्दी जल्दी, तो प्लीज वो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। प्रेस द बेल आइकन। उसकी वजह से क्या होगा कि मॉम ऑन बोर्ड में क्या क्या इंटरेस्टिंग, क्या क्या हैपनिंग चीजें हो रही है, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा, आपको पता चलेगा मॉम ऑन बोर्ड में एक्चुअली में क्या क्या हो रहा है। एंड प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन। अगर आपको इस वीडियो के बाद कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे क्वेरीज के आंसर दूंगी। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर। सो हियर वी आर विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बेबी केयर इन समर। सबसे पहला हमारा पॉइंट है क्लोथिंग। जी हाँ, समर में बच्चों को किस तरीके के कपड़े पहनाने चाहिए, किस मटेरियल के कपड़े पहनाने चाहिए, बिकॉज बाकी सीजन्स में हम बच्चों को सारे कपड़े एंजॉय कर सकते हैं, उनको भी अच्छे लगते हैं, बट समर में हमें स्पेशल केयर करना है, बिकॉज समर में बहुत ज्यादा पसीना आता है, इसकी वजह से बेबीज को बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है। तो समर में हमें कॉटन के कपड़े प्रिफर करने हैं, बिकॉज कॉटन बहुत अच्छे से जो पसीना है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से बच्चों को घमोरियों की तकलीफ नहीं होती है। आपको बाकी के टेक्सचर का कपड़ा, बाकी के ड्रेसेस, बाकी के कपड़े कितने भी अच्छे लगे हो, बट समर में वो ट्राई कीजिए कि वो अवॉइड करना है और हमें कॉटन प्रिफर करना है। तो सबसे पहले हमें कॉटन के कपड़े यूज करने हैं, जैसे मैंने पहले बोला कि वो पसीने एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से घमोरियों की तकलीफ नहीं होती है। देन कौन से कलर के, हमें समर्स में लाइट कलर के कपड़े प्रिफर करने हैं, जैसे लाइट ब्लू हो गया, लाइट येलो, लाइट ऑरेंज, लाइट ग्रीन। आप किसी भी कलर का कपड़ा चूज कर सकते हैं, किसी भी कलर का टी शर्ट या फिर ड्रेस, फ्रॉक बेबी गर्ल को चूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो लाइट कलर का हो। लाइट कलर की वजह से क्या होता है, जो सन रेज होते हैं उसमें एब्जॉर्प्शन कम होता है और बेबी को हीट की जो तकलीफ है वो कम होती है। देन हमें समर्स में लूज फिटिंग के कपड़े प्रीफर करने हैं बच्चों में। जी हाँ, टाइट फिटिंग के कपड़े उनको बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं, तो ट्राई कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप उन्हें ढीले कपड़े पहनाइए, वो उनको बहुत अच्छे से कंफर्ट देगा। देन अगर आप घर में हो तो आप उनको हाफ स्लीव्स भी प्रीफर कर सकते हो, उसकी वजह से भी उनको बहुत अच्छा कंफर्ट मिलता है। बट अगर आप उनको बाहर लेके जाते हो तो मेक श्योर कि आप फुल स्लीव्स के कपड़े या फिर 3/4 स्लीव्स एटलीस्ट प्रीफर करें। इसकी वजह क्या है, बिकॉज जब हम समर में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो ऑलरेडी सनरेज है, भले ही आप शाम के 5 बजे जाओ, बट फिर भी हीट का प्रॉब्लम होता है, एंड वैसे भी समर में मॉस्किटोज का बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो उसकी वजह से बेबी को प्रोटेक्शन मिलेगा अगर आप 3/4 स्लीव्स या फिर फुल स्लीव्स प्रीफर करेंगे। देन बाहर जाते टाइम बेबी को हैट या कैप पहनानी है, जिसकी वजह से उनके जो सनरेज, बाहर जाने के बाद जब सनरेज पड़ते हैं तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, बिकॉज हेड को यहाँ पे हुड होता है, और जिसकी वजह से उनके फेस पे या फिर बॉडी पे डायरेक्टली सनरेज नहीं आएंगे। देन हमें समर्स में बेबीज को सॉक्स पहनाना जनरली अवॉइड करना है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज्यादा हीट होती है, बच्चे इरिटेटेड होते हैं, अगर आप सॉक्स पहना देते हो तो फिर क्या होगा, उनके पैर में बहुत ज्यादा पसीना आएगा और इसकी वजह से भी उनको घमोरियों की तकलीफ हो सकती है। बट अगर आप सॉक्स प्रीफर करते हो बच्चों को पहनाना समर्स में भी बाहर जाते टाइम, तो ज्यादा से ज्यादा पतला जो कपड़ा होता है सॉक्स का, वो प्रीफर कीजिए, जिसकी वजह से जो एयर है वो पास होती रहेगी उनके बॉडी के बीच एंड वो कपड़े के बीच, जिसकी वजह से उनको पसीने की प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड समर्स में हमें उनकी शूज जो है, जो हम नॉर्मली अदर वेदर्स में जैसे पहनते हैं रेनी सीजन में या फिर विंटर में, उस तरीके के हमें उनको शूज या चप्पल नहीं पहनाने हैं, हमें थोड़ा सा एयरी शूज या फिर चप्पल प्रीफर करना है, जिसकी वजह से उनके पैर को भी अच्छे से हवा लगेगी और ऑब्वियसली उनको घमोरियों की तकलीफ नहीं होगी, एंड मेनली वो भी इरिटेटेड फील नहीं करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप समर में प्लीज अपने बेबी के लिए स्विम वेयर ले सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हमने उनको रेनी सीजन में विंटर में स्विम करने से मना किया है, उनको वाटर में जाने से अवॉइड किया है, तो समर ये एक ऐसा सीजन है कि वो फुल ऑन अपना वाटर एंजॉय कर सकते हैं, तो प्लीज बेबी के लिए कुछ अच्छे से समर वेयर खरीद लीजिए, जिसकी वजह से आपका बेबी ऑब्वियसली वाटर एंजॉय करेगा समर्स में।
तो ये थे सारे क्लोथिंग रिलेटेड केयर ऑफ बेबी। देन हमारा दूसरा पॉइंट है वो है हाइड्रेशन। जी हाँ, समझ में, हमें बहुत अच्छे से बेबीज को हाइड्रेट करना है, बिकॉज बेबी जनरली फ्लूइड लेने में, उनके खेलने की एक्टिविटी, उनके प्लेइंग टाइम है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा उनकी एक्टिविटी होती है और वो फ्लूइड लेने में भूल जाते हैं या फिर थोड़ा सा तकलीफ देते हैं, मना कर देते हैं। बट हमें मेक श्योर करना है कि उनको हम अच्छे से हाइड्रेट करें, उनके बॉडी में अच्छे से वाटर बैलेंस या फिर कोई भी लिक्विड चीज़ अच्छे से मेंटेन हो, जिसकी वजह से उनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपका बेबी बिलो 6 मंथ्स है तो मेक श्योर कि इंटरमीडिएटली आप अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको थोड़ा थोड़ा हाइड्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज समर में बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो मेक श्योर कि आपके बेबी को आप थोड़ा थोड़ा देर में, थोड़े थोड़े इंटरवल में पानी देते रहिए। अगर आपका बेबी अबव 6 मंथ्स है तो उनको पानी थोड़े थोड़े देर में सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा आपके बेबी के हाथ में एक सिपर या फिर उसकी बॉटल जो है वो दीजिए, और फिर उनको थोड़ी थोड़ी देर में हाइड्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपका बेबी अबव 6 मंथ्स है, वो वाटर के अलावा अदर जूसेस लेता है, तो आप उनको एप्पल जूस, पाइनएप्पल जूस, देन वाटर मेलन, मस्क मेलन, ये सारे फ्रूट्स या फिर इनके जूसेस प्रीफर कर सकते हो। कर्ड ये एक बहुत अच्छा सोर्स है हाइड्रेशन मेंटेन करने का बॉडी में। आप उनको कर्ड दे सकते हो या फिर बटर मिल्क दे सकते हो या फिर लस्सी दे सकते हो, इनसे भी आपके बेबी के बॉडी में हाइड्रेशन की लेवल बहुत अच्छे से मेंटेन होगी। तो हाइड्रेशन में समर्स में हमें बहुत अच्छे से केयर करनी है। इसमें आप अपने बेबी को बहुत अच्छे से फ्रूट्स दीजिए, जैसे मैंने मेंशन किया वाटर मेलन है, मस्क मेलन है, पाइनएप्पल है, एप्पल है, मैंगोज है, ये सारे फ्रूट्स आप आपके बेबी को दे सकते हो। आइदर इनको डायरेक्टली फ्रूट्स के फॉर्म में दीजिए या फिर उसके जूसेस बना के दीजिए। वाटर बैलेंस बहुत अच्छे से करना है। दही से बनी हुई चीज़ें भी बहुत अच्छे से फायदा करती है, जैसे डायरेक्टली कर्ड भी दे सकते हो, बटर मिल्क दे सकते हो, देन लस्सी दे सकते हो। इसकी वजह से भी बॉडी में अच्छे से हाइड्रेशन मेंटेन रहेगी और उनको हीट की प्रॉब्लम नहीं होगी। देन द मेन पॉइंट इज, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बेबी की बॉडी में हाइड्रेशन की लेवल बहुत अच्छे से मेंटेन है या नहीं? अगर आपका बेबी अभी भी डायपर पे है, आप उसको डायपर पहनाते हैं, तो डेली उसके वेट डायपर काउंट कीजिए, वो जनरली 5 to 6 होने चाहिए। ये एक हेल्दी बेबी का साइन होता है। अगर आपके बेबी के वेट डायपर उससे कम है, मीन्स अगर वो दिन में हार्डली 2 to 3 डायपर्स ही उसको यूज होते हैं, तो ये एक थोड़ा चिंता का विषय है। इस केस में आपको उसकी फ्लूइड इनटेक बढ़ानी है। और दूसरा तरीका है कि आपका बेबी दिन में कितना स्वेट करता है, इससे भी आपको पता चलेगा कि उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन की लेवल कम है या फिर अच्छे से मेंटेन है। अगर उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो उस केस में भी आपको उसका फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है। तो ये था हमारा हाइड्रेशन सेकंड पॉइंट। देन द थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्किन केयर। जी हाँ, बिकॉज विंटर में और रेनी सीजन में हम बहुत अच्छे से स्किन केयर, हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है। हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं, हम अदर क्रीम इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी स्किन जो है वो सॉफ्ट रहे, वाइट ना पड़े। तो ये सारे तो हो गए बाकी के सीजन्स में, बट समर में स्पेशली बेबी की स्किन केयर कैसे करानी है, इसमें 4 to 5 पॉइंट्स है। फर्स्ट इज है मसाज, देन है बाथिंग, देन है मॉइस्चराइजेशन, एंड लास्ट है सनस्क्रीन। जी हाँ, समर्स में मसाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा द्विधा मनस्थिति हो जाती है पेरेंट्स की। बट आप समर्स में आराम से मसाज कर सकते हैं बेबी का। हमें बहुत ज़्यादा देर तक मसाज नहीं करना है, 5 to 10 मिनट्स इज सफिशियंट। आप कौन सा भी तेल यूज कर सकते हो जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हो, बट जनरली समर्स में हमें तिल का तेल या फिर आलमंड बादाम का तेल अवॉइड करना है, बिकॉज वो थोड़ा सा हीट नेचर है, तो वो हो सकता है बेबी को थोड़ा सा खमरियों की तकलीफ हो सके। तो आई विल रिकमेंड कि आप कोकोनट वाटर यूज कीजिए, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैं राघव को वही यूज करती हूँ। मसाज आप समर्स में कर सकते हैं, बट हमें एक करेक्ट ऑयल एंड उसका टाइमिंग अगर हम अच्छे से कैलकुलेट करें तो मसाज एक बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। देन द सेकंड पॉइंट इन स्किन केयर इज बाथिंग। जी हाँ, नहलाना। समर्स में बच्चों को डेली 2 बार नहलाना अच्छी बात होती है, बिकॉज बहुत ज्यादा हीट होती है, वो दिन भर खेलते हैं, उनको पसीना आता है, तो उसकी वजह से आप उनको दिन में 2 बार नहला सकते हो। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसीना कैसे आता है, आप देख सकते हो कि बेबी जो है वो सोते तो यहाँ पे उनके बहुत ज़्यादा पसीना पसीना होता है, यहाँ पे थोड़ा सा गीला गीला फील करते हैं, तो उसकी वजह से भी उनको इरिटेशन होती है। इसलिए समर्स में दिन में 2 बार नहलाना एक बहुत अच्छे से बेनिफिट करेगा। सुबह तो मसाज के बाद आपको नहलाना ही है, वैसे ही रात को सोने से पहले उसको गुनगुने पानी से नहला दीजिए। उसका खाना पीना हो गया, उसने आराम से दूध पी लिया, उसके बाद उसको थोड़ा सा नहला दीजिए, उसकी वजह से भी उसको बहुत अच्छे से शांत नींद आएगी और वो भी कामली सो पाएगा और उसको कोई भी तकलीफ नहीं।
नहीं होगी और ये घमोरियों से बचने का भी बहुत अच्छा तरीका है। देन हमारा तीसरा पॉइंट है स्किन केयर में मॉइस्चराइजेशन। जी हाँ, जैसे हम विंटर्स में थोड़ा सा स्टिकी, थोड़ा सा ग्लिसरीन जिसमें कंटेंट है वो वाला स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करते हैं, समर्स में हमें वो नहीं यूज करना है। हमें मॉइस्चराइजेशन देना है समर्स में, बिकॉज समर्स में भी व्हाइटिश स्किन होती है बेबीज की, बट हमें बहुत ज्यादा ऑयली या फिर बहुत ज्यादा स्टिकी मटेरियल वाले जो स्किन केयर प्रोडक्ट है वो अवॉइड करने हैं। नॉर्मल स्किन केयर आप यूज कर सकते हो, बिकॉज अगर हम बहुत ज्यादा स्टिकी या फिर ऑयली कंटेंट वाले स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करें तो उसकी वजह से बेबी को रैशेस आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो स्वेट ग्लैंड है वो भी पूरी तरीके से बंद हो जाती है, और जो स्वेट निकलना चाहिए वो भी स्वेट नहीं निकलता, उसकी वजह से भी घमोरियों की तकलीफ होती है। इसलिए बेबी की जो स्वेट ग्लैंड के पोर्स है वो ओपन रखने के लिए हमें हल्का सा स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करना है मॉइस्चराइजेशन में। देन हमारा लास्ट पॉइंट है स्किन केयर में प्रोटेक्शन फ्रॉम सन। जी हाँ, मैं तो ये बोलूंगी कि समर्स में आप 10 से 5 या 6 बजे तक बेबी को बाहर बिल्कुल ही ना लेके जाइए, बिकॉज समर्स में आप कितना भी बोलो बट हीट होती है, बेबीज को हीट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। बड़ों को हीट की वजह से इतना ज्यादा इरिटेशन होता है, वो तो बेबीज है, उनको तो कितना ज्यादा इरिटेशन होता रहेगा। इसलिए आई विल रिकमेंड कि आप 10 से 5 या 5:30 बजे तक अपने बेबी को प्लीज बाहर ना लेके जाइए। अगर आपका बेबी बाहर नहीं जा रहा है, घर में भी है, तो समर में आपको आपके बेबी को सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बेबी घर में खेलते हैं, गैलरी में खेलते हैं, कहीं ना कहीं तो धूप आती है, कहीं ना कहीं तो उसकी तकलीफ होती ही होगी। इसलिए आपको एक अच्छे से SPF का सनस्क्रीन लोशन लेके आना है बेबी के लिए, डॉक्टर से रिकमेंडेड, और वो आपके बेबी को लगाना है। एंड स्पेशली जब आप बाहर जाते हो तो ये तो कंपलसरी है कि आप आपके बेबी को सनस्क्रीन लगाइए, बिकॉज मेनी टाइम्स हम फुल स्लीव्स पहनाते हैं, ऐसा नहीं है, अगर आपने फुल स्लीव्स पहना ही है फिर भी जो सनरेज है वो बॉडी तक पहुंचे जाते हैं, हाफ स्लीव्स अगर पहना है तो उस केस में तो सनस्क्रीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि सनस्क्रीन हमें सिर्फ फेस पे ही लगाना है या फिर अपर बॉडी पे ही लगाना है, जी नहीं, आपको आपके बेबी के पूरे बॉडी पे सनस्क्रीन लगाना है, जिसकी वजह से आपके बेबी के पूरे बॉडी को सनरेज से प्रोटेक्शन मिलेगा और उसके घमोरियों की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और वो हीट से इरिटेटेड भी नहीं रहेगा। देन समर केयर में हमारा फोर्थ पॉइंट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉस्किटोज। जी हाँ, समर्स में बहुत ज्यादा मच्छर की प्रॉब्लम आती है, शाम के 5 बजे भी आपको मच्छर देखने को मिलेंगे। आपके बेबी को आप प्लीज, मैंने जैसे पहले बोला कि 10 से 5 के बीच में बाहर मत लेके जाइए, बट अगर आप लेके जाते हैं तो बिलो 6 मंथ्स बेबी को हम कौन सा भी प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते, कौन सा भी मॉस्किटो रिपेलेंट यूज नहीं कर सकते, ये डॉक्टर रिकमेंडेड है, उनके स्किन के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो हम सिर्फ एक केयर कर सकते हैं, जब भी वो सोते हैं तो जो नेट आती है वो उनके ऊपर हम रख सकते हैं, जिसकी वजह से मॉस्किटो उनके आसपास नहीं जाएंगे। और दूसरा जो है, जो हम मैंने पहले बोला कि हम फुल स्लीव्स या फिर 3/4 कॉटन के पतले ढीले कपड़े आप उनको पहना सकते हैं, जिसकी वजह से भी मॉस्किटो का जो प्रॉब्लम है वो कम होगा। और जो टोडलर है, आफ्टर 6 मंथ्स जो है, आप उनको मॉस्किटो रिपेलेंट जो रोल ऑन मिलते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, गुड नाइट का रोल ऑन है, मैंने ये यूज किया है, उसने मुझे बहुत ज्यादा 100% रिजल्ट दिया है, ऐसा नहीं है। राघव जब बाहर जाता था समर्स में तब मैं उसको लगाती थी, बट 1 to 2 बाइट्स तो यहाँ वहाँ दिखी जाते थे, बट एज कम्पेयर टू जब हम रोल ऑन या फिर कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं अबव 6 मंथ्स, तो उससे वो बेटर रिजल्ट देता है। बट रोल ऑन हम जब यूज करते हैं तो मेन प्रिकॉशन हमें क्या करनी है कि मैं उसके बैक पे और उसके जो थाइज है वहां पे लगा देती थी, जिसकी वजह से उसके हाथ वहां पे टच ना हो, बिकॉज बेबी हाथ मुंह में डालते ही है और वो उनके पेट में जाना बिल्कुल ही सही नहीं है। तो आप जब रोल ऑन यूज करते हो, कौन सा भी, मैंने गुड नाइट का रोल ऑन यूज किया था, तो आपको ये प्रोटेक्शन लेना है कि आपको उस जगह पे लगाना है जिसपे उसके बेबी के हाथ ना पहुंचे और जिसकी वजह से वो उसके मुंह से पेट तक ना पहुंचे, ये केयर आपको जरूर लेनी है। देन तीसरी केयर हमें मच्छर से प्रोटेक्शन में जो लेनी है वो है कि कोई भी सेंटेड प्रोडक्ट आपके बेबी के ऊपर ना यूज कीजिए, बिकॉज मच्छर जो है वो सेंटेड प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसकी वजह से भी बाइट्स का बहुत ज्यादा चांसेस होता है और ऑब्वियसली बेबी इसको इरिटेट होगा और ये बेबी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो सेंटेड प्रोडक्ट जो है वो आपके बेबी के ऊपर ट्राई करना अवॉइड कीजिए, जिसकी वजह से भी मॉस्किटो से प्रोटेक्शन मिलेगा। देन हमारा 5वां पॉइंट है समर केयर इन बेबीज में डायपर। जी हाँ, डायपर ये एक बहुत बड़ा और फास्ट सब्जेक्ट है।
आई विल रिकमेंड कि समर्स में बेबी को जितना हो सके उतना खुला रखिए। मैं राघव को बहुत ज्यादा खुला रखती हूँ, बहुत कम डायपर यूज करती हूँ। जो छोटे छोटे पैजामाज आते हैं, छोटे छोटे हाफ पैंट्स आते हैं कॉटन के, वो यूज कीजिए। उसकी वजह से भी बेबी को बहुत अच्छे से आराम मिलेगा, उसको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। और आप नोटिस करेंगे कि जब भी आप बेबी को डायपर नहीं पहनाते हो तो उनको बहुत अच्छा फील होता है, वो बहुत अच्छे से खुले मन से खेलते हैं, एक अच्छी सी अलग सी स्माइल आती है उनके फेस पे। तो समर्स में डायपर्स जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। और अगर आपको बेबी को डायपर पहनाना ही है, अगर आप उसको पूरे दिन डायपर में रखना ही चाहते हो, तो मेक श्योर कि आप एवरी 2 to 3 hours में उसका डायपर चेंज करते रहिए। जैसे जनरली हम जो है 4 to 5 hours में उसका डायपर चेंज करते हैं, तो समर्स में मेक श्योर कि आप एवरी 2 to 3 hours उसका डायपर चेंज कीजिए। बिकॉज ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि समर्स में हीट की वजह से बेबी को डायपर की वजह से रैश आने के चांसेस होते हैं। अगर आप इंटरमीडियंटली एवरी 2 to 3 hours उसका डायपर चेंज करते रहेंगे तो उसको रैशेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरा पॉइंट है डायपर में कि डायपर पहनाने से पहले कोकोनट ऑयल हो गया या फिर डायपर रैश क्रीम, ये आप उसके ऊपर अप्लाई कीजिए, फिर उसके ऊपर डायपर पहनाइए। इसकी वजह से भी हीट से रैश नहीं आएगी बेबी को और उनको भी अच्छे से आराम मिलेगा और कंफर्ट मिलेगा। हमें ऐसा नहीं करना है कि पहले बेबी को डायपर की वजह से रैश हो गई, हीट की वजह से रैश हो गई, फिर हम उसके ऊपर रैश क्रीम लगाए, फिर हम उसको खुला छोड़े, या फिर उसके बाद हम उसके ऊपर कोई कोकोनट ऑयल या फिर कुछ भी क्रीम लगाए। हमें इसका वेट नहीं करना है। डायपर पहनाने से पहले आपके बेबी को अच्छे से रैश क्रीम लगाइए और उसके बाद डायपर पहनाइए। थर्ड पॉइंट है डायपर में, मैं ये बोलना चाहूंगी जो जनरली आप जो साइज यूज करते हैं अपने बेबी का डायपर का, उससे एक साइज बड़ा लीजिए। अगर आप मीडियम साइज पहना रहे हो तो समर्स में लार्ज साइज पहनाइए। उसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा एयरी होगा, थोड़ा सा एयर सर्कुलेट होगी उस एरिया में, और घमौरे के चांसेस भी नहीं रहेंगे और मेनली रैशेज का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आपको ये सारी केयर करनी है डायपर के लिए। देन हमारा छठवां पॉइंट है स्किन केयर इन समर में, वो जो है वो है हीट प्रोटेक्शन। जी हाँ, बेबीज को हीट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है समर्स में। ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा हीट होता है, तो वो तो छोटे छोटे बेबी है, हमें इतनी तकलीफ होती है तो उनको कितनी होती होगी। तो हमें हीट प्रोटेक्शन में क्या करना है, बेबी को जितना ज्यादा हो सके उतना कूल टेम्परेचर में रखिए, उसको एसी में रखने की कोशिश कीजिए। बट मेक श्योर कि एसी का टेम्परेचर आपका 24 to 26 degrees Celsius हो, उसके ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और उससे कम भी नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम हुआ, जैसे अगर आपने 20 या 18 डिग्रीज में हो गया, तो उसको कफ और कोल्ड के भी चांसेस होते हैं। तो मेक श्योर कि आप एसी का टेम्परेचर जो है वो 22 to 24 मैक्सिमम 26 डिग्री सेल्सियस तक रख सके। देन अगर आप बाहर जाते हो समर्स में, पर्सनली आई विल रिकमेंड मैं राघव को बिल्कुल भी समर्स में 9:30-10 के बाद 5 बजे तक बिल्कुल भी बाहर नहीं लेके जाती हूँ। तो आई विल रिकमेंड कि आफ्टर 9:30 to शाम के 5 बजे तक आप आपके बेबी को बाहर मत लेके जाइए, बिकॉज बहुत ज्यादा हीट वेव्स होती है, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। बट इन एनी केस, इफ बाय एनी चांस अगर आपको बाहर जाने की जरूरत पड़ गई, तो उस केस में आपको आपके बेबी को हैट पहनानी है, कैप पहनानी है। उसकी वजह से यहाँ पे जो हुड होता है, सनरेज का प्रोटेक्शन हो जाएगा पूरे बॉडी में, एक उसकी वजह से प्रोटेक्शन आ जाएगा, हीट की प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड मेक श्योर कि आप उसको कॉटन के ढीले 3/4 या फिर फुल स्लीव्स के कपड़े पहना रहे हो, इससे भी बहुत अच्छे से बेनिफिट करेगा, हीट की प्रॉब्लम बेबी को बहुत कम होगी। एंड मेनली लास्ट थिंग, जब आप बाहर जा रहे हो तो आपको अपने साथ बहुत अच्छे से फ्लूइड कैरी करना है, आपके खुद के लिए भी और बेबी के लिए भी। और मेक श्योर आप थोड़ी थोड़ी देर बाद, एक 25 to 30 minutes के बाद बेबी को थोड़ा थोड़ा सिप करके फ्लूइड ऑफर कर कीजिए। अगर आपका बेबी ब्रेस्ट मिल्क पे है, फॉर्मूला मिल्क पे है, तो मेक श्योर कि आप उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा मिल्क देते रहिए। अगर वो पानी पी रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, आफ्टर 6 months, तो उसको प्लीज थोड़ी थोड़ी देर बाद एक सिपर में उसका उबला हुआ पानी कैरी कीजिए, लेके जाइए और थोड़ी थोड़ी देर में उसको पानी देते रहिए। उसकी वजह से भी बहुत अच्छे से हाइड्रेशन लेवल मेंटेन हो जाएगी। एक साइन जो है आपको पता चलेगा कि अगर आपका बेबी हाइड्रेशन लेवल कम हो रही है, आपके उसके जो है वो लिप्स देखिए, अगर वहां पे थोड़ा सा ड्राइनेस है, आपको पता चल रहा है कि उसकी जो लिप्स है थोड़ा ड्राई होते जा रही है, तो थोड़ा सा सिप से पानी दीजिए। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा मॉइस्चराइजेशन आएगा और बेबी को भी अच्छे से फील होगा, इसकी वजह से भी इरिटेशन कम हो जाएगी। देन हमारा सातवां पॉइंट है स्किन केयर इन बेबीज में, वो है टेम्परेचर कंडीशन।
जी हाँ, बहुत बार बेबी इरिटेट होता है रात को सोने के बाद, या फिर दिन में भी सोने के बाद, या फिर खेलते हुए घर में भी, हमें नहीं पता चलता कि एग्जैक्टली इसका रीजन क्या है। बहुत बार इसका रीजन होता है टेम्परेचर कंडीशन, बिकॉज समर्स में इतना ज्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है एरिया वाइज, बहुत ज्यादा किस एरिया में बहुत ज्यादा हीट होती है, किस एरिया में थोड़ा सा कूलनेस होता है। और मेनली जब घर में बहुत सारे लोग हैं, हम किसी को एसी की वजह से ठंड लगती है, किसी को एसी की वजह से एसी चालू है फिर भी उसको गर्मी लग रही है, तो डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन ये जो तकलीफ होती है। तो टेम्परेचर कंडीशन जो है बेबीज में, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि उसको एक कूल एटमॉस्फेयर में रखिए, घर में एसी चालू है उसमें रखिए, एसी का टेम्परेचर जो है वो आपको 22 to 24 up to 26 डिग्री सेल्सियस रखना है। ये बहुत अच्छे से कंफर्ट देता है बेबी को। आपको उसको बहुत ज़्यादा बाहर लेके नहीं जाना है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा। आपको नोटिस करना है कि बेबी को स्वेटिंग हो रही है या नहीं, यहाँ उसके यहाँ पे थोड़ा सा नीचे सिर के एरिया में हाथ लगा के देखिए, अगर उसको पसीना आ रहा है तो थोड़ा सा एसी ऑन कर दीजिए, रूम का घर का जो एटमॉस्फेयर है थोड़ा सा कूल कर लीजिए, ये भी उसको एक बहुत अच्छे से आराम देगा। देन जब आप बेबी को बाहर लेके जाते हो, भले ही वो शाम में आप लेके जा रहे हो 5 के बाद या फिर 6 के बाद, बट मेक श्योर कि जैसे ही आप बेबी को कार से बाहर लेके जा रहे हो तो पहले कार का एसी बंद कीजिए, उसको एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, फिर उसके बाद एक 5 या 10 मिनट के बाद बेबी को कार से बाहर निकालिए, क्योंकि बाहर ऑलरेडी थोड़ा सा हीट है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है समर में। और अगर आपका कार का एसी चालू है तो ऑल ऑफ अ सडन जो है वो टेम्परेचर शिफ्ट होता है, उसकी वजह से भी बेबी को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, उसको समझ में नहीं आता है एकदम से क्या हो रहा है। इसलिए कार का एसी बाहर जाने से पहले, कार से उतरने से पहले थोड़ा बंद कीजिए, उसको एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए और उसके बाद बेबी को बाहर लेके जाइए, ये भी एक हीट से प्रोटेक्शन का बहुत अच्छा तरीका है। देन लास्ट, जब भी आप बेबी को नहलाते हो, उसको बाथ देते हो, बाहर लाते हो, तो रूम में लाने के बाद उसको ऑल ऑफ अ सडन फैन या एसी चालू नहीं करना है। 10 से 15 मिनट उसको वैसे ही रखिए, उसको बैठने दीजिए, आराम से तैयार कीजिए, उसकी सारी तैयारी होने दीजिए, उसको सेटल होने दीजिए, फिर आपके रूम का फैन या फिर एसी ऑन कीजिए। बिकॉज हम बेबी को लुक वार्म वाटर से नहलाते हैं और ऑल ऑफ अ सडन जब हम फैन या फिर एसी चालू कर देते हैं तो टेम्परेचर का जो बैलेंस है, टेम्परेचर शिफ्ट जो है वो ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी बेबी को हीट की प्रॉब्लम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसलिए हमें ऑल ऑफ अ सडन फैन या एसी चालू नहीं करना है, उसको सेटल होने देना है पहले नहाने के बाद। देन हमारा 8वां पॉइंट है समर केयर इन बेबीज में जो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरल। जी हाँ, वायरल डिसीजेज ऐसे होते हैं, ये बिना बताए बिना बुलाए मेहमान की तरह होते हैं, कैसे आ जाता है हमें भी नहीं पता चलता, तो उसके लिए हम केयर कैसे कर सकते हैं बेबी में। अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीड पे है, अगर वो अभी भी ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है, तो ब्रेस्ट मिल्क ये एक बहुत अच्छा तरीका है उसको वायरस से बचाने का, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क में ऐसे बहुत सारे मिनरल्स विटामिंस ऑलरेडी होते हैं जो बेबी को वायरल डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। तो बेबी को अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क दीजिए समर्स में। और अगर आपका बेबी ब्रेस्ट मिल्क पे नहीं है, वो बाकी का सॉलिड खा रहा है, बाकी का फ्लूइड ले रहा है, तो उसकी डाइट आपको अच्छे से मेंटेन करनी है। जैसे मैंने बोला, आप उसको कट दे सकते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स दे सकते हैं, जूसी फ्रूट्स दे सकते हैं, बहुत अच्छे वेजिटेबल्स दे सकते हैं, उसकी वजह से भी वायरल का चांसेस बहुत कम होगा। एंड थर्ड, अगर आपके घर में किसी को वायरल हुआ है, आपको पता है कि उसको कोल्ड है, कफ है, तो आपके बेबी को हो सके उतना दूर रखिए, बिकॉज बेबीज की इम्यून सिस्टम बहुत डेलिकेट होती है, वो अभी अभी डेवलप हो रही है, तो चांसेस होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कैच कर लेता है वायरल। इसलिए आपके घर के किसी भी मेंबर को वायरल है तो आपके बेबी को उस इंसान से थोड़ा सा दूर रखिए। आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट 1-2 दिन आप ये कीजिए, इससे भी वायरल के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। देन हमारा लास्ट पॉइंट 9वां पॉइंट है समर्स में बेबी की केयर में, वो है टैल्कम पाउडर। जी हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि टैल्कम पाउडर यूज़ करना बेबी के लिए अच्छा होता है या नहीं। पर्सनली आई विल रिकमेंड कि आपको टैल्कम पाउडर यूज़ नहीं करना चाहिए। जी हाँ, अगर आपको यूज़ करना ही है तो बहुत कम मात्रा में कीजिए। मैंने तो मेरा टैल्कम पाउडर बेबी का एक कोने में रख दिया है कबड में। अगर उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, अगर उसको घमोरी की परेशानी हो रही है, इन केस मुझे अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है तो उसी केस में हम यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम राघव के कौन से भी बॉडी में, ना उसके फेस पे, ना उसके बैक पे, ना उसके टमी पे, हम कहीं भी टैल्कम पाउडर का यूज़ नहीं करते। बिकॉज टैल्कम पाउडर क्या करता है, अगर हम स्किन पे अप्लाई कर ले बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उसकी वजह से क्या होता है,
स्वेट ग्लैंड जो है वो ब्लॉक हो जाता है और उसकी वजह से उसके पोर्स बंद होने की वजह से जो थोड़ा सा पसीना निकलता है वो भी नहीं निकलता और उसकी वजह से हीट रैशेस आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से बेबी बहुत ज्यादा इरिटेट होता है और आपको पता भी नहीं चलता कि मैंने इसको पाउडर भी लगा लिया, सब हो गया, फिर भी इसकी रैश ठीक नहीं हो रही, फिर भी उसको अच्छा नहीं लग रहा है। बट टैल्कम पाउडर्स की वजह से बहुत बारी बेबी को रैशेस आते हैं, इसलिए पाउडर का यूज बहुत ज्यादा मत कीजिए। बहुत ज्यादा इमरजेंसी है आपके पास, उसके अलावा अगर कोई भी ऑप्शन नहीं है तो इन दैट केस टैल्कम पाउडर आप यूज कर सकते हैं बेबी का, जो स्पेशल बेबीज के लिए होता है। बट आपको मिनिमम क्वांटिटी में यूज करना है जिसकी वजह से उसके स्किन पे कोई भी रैशेस ना आए। तो ये थे सारे नो पॉइंट्स हमारे बेबी समर केयर में। अब इस वीडियो की जो टिप्स है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है वो होता है बेबीज में डिहाइड्रेशन एंड हीट रैश इन समर। डिहाइड्रेशन हमें कैसे पता चलेगा? डिहाइड्रेशन आप एक दो तरीके से नोटिस कर सकते हो बेबीज में। अगर उसके लिप्स बारी बारी ड्राई हो रहे हैं, उसकी ये भी एक साइन एंड सिम्टम होता है। अगर वो नॉर्मली जो पी करता है उसकी अगर क्वांटिटी कम हो गई है, बेबी दिन में 10 से 15 बार पी करना ये एक हेल्दी बेबी का सिम्टम माना जाता है। अगर आपका बेबी दिन में 2 या 3 बार ही कर रहा है पी कर रहा है तो ये एक थोड़ा सा केयर करने की वजह हो सकती है, बिकॉज ये डिहाइड्रेशन का साइन एंड सिम्टम हो सकता है। और अगर आपका बेबी डायपर में है, आपने उसको खुला नहीं रखा है, आपको नहीं पता चल रहा है कि वो दिन में एक्चुअली कितनी बार पी कर रहा है, तो इन दैट केस आप उसके डायपर भी काउंट कर सकते हैं कि दिन में वो कितने वेट डायपर निकाल रहा है। ये भी एक तरीका होता है डिहाइड्रेशन मेजर करने का। अगर आपका बेबी 4 से 5 डायपर निकाल रहा है दिन में वेट डायपर, तो एक हेल्दी बेबी का साइन एंड सिम्टम है। बट अगर उसके डायपर पूरी तरीके से भर नहीं रहे हैं, वो वेट नहीं हो रहे हैं और वो हार्डली दिन में 1 या 2 डायपर पे, मैक्सिमम 3 डायपर पे है, तो ये थोड़ा सा केयर करने की वजह हो सकती है, बिकॉज एक साइन एंड सिम्टम होता है डिहाइड्रेशन का। तो यहाँ पे आपको पर्सनली लुकआउट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देन सेकेंड होता है हीट रैश। जी हाँ, हीट रैश की वजह से बेबी बहुत ज्यादा इरिटेट होता है। जैसे मैंने पहले बोला कि टैल्कम पाउडर जो होता है उसकी वजह से भी बेबीज को हीट रैश आता है। अगर आपने बहुत ज्यादा स्टिकी या फिर ऑयली या फिर बहुत ज्यादा ग्लिसरीन वाला स्किन केयर प्रोडक्ट बेबी के स्किन पे अप्लाई कर लिया, तो इसकी वजह से भी हीट रैशेस आने की चांसेस होते हैं। तो हमें ये सारे प्रोडक्ट नहीं यूज करने हैं समर में। एंड तीसरा होता है हीट रैशेस का कि अगर आपने उसको बहुत ज्यादा टाइट क्लोथ पहना दिए, उसके बॉडी में जो एयर पास होनी चाहिए वो अगर प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर मात्रा में पास नहीं हो रही है, उसकी वजह से भी हीट रैशेस आते हैं। उसकी वजह से तो घमोरियों के चांसेस तो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें समर्स में बहुत ज्यादा लूज कपड़े पहनाने हैं, कॉटन के कपड़े पहनाने हैं। तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स है डिहाइड्रेशन के एंड हीट रैशेस के। तो ये थे सारे बेबी केयर के वेरियस वेज समर्स में हम कैसे, किस तरीके से बेबी का केयर कर सकते हैं। आई होप मैंने बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। आपको आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब मॉम ऑन बोर्ड। हमें, जैसे मैंने पहले बोला कि एक बिग फैट फैमिली बहुत जल्दी जल्दी बढ़ानी है, प्लीज मेरे फैमिली मेंबर बनने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मॉम ऑन बोर्ड एंड कमेंट मी ऑन दैट। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो डेफिनेटली मैं आपकी सारी क्वेरीज की आंसर दूंगी, डेफिनेटली मैं आपकी सारी परेशानियां दूर करने की कोशिश करूंगी। एंड नाउ इट्स इनफ फॉर अ डे। आपकी बहुत अच्छे से केयर कीजिए। मैं जल्दी ही हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलने के लिए आऊंगी। तब तक प्लीज बी ऑन बोर्ड एंड बी इन टच।